हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि एसएसए नाम की कॉन्ग्रुएंसी मैथमेटिक्स में क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है अगर दो ट्राइंगल्स कंप्लीटली एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और हम देख चुके हैं कि एएसए नाम की कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है, जैसे एसएएस नाम की कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही एसएसएस नाम की कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है, वैसे ही एंगल एंगल साइड नाम की कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एसएसए नाम की कॉन्ग्रुएंसी अभी तक हमने कोई भी नहीं देखी। तो आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि एसएसए नाम की कॉन्ग्रुएंसी क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है मैथमेटिक्स में। देखो, ये आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें एंगल दिखा हुआ है, फिक्स है बिल्कुल 30 डिग्री। यहाँ पे एक साइड ड्यू है नीचे जिसकी 11 यूनिट डिस्टेंस है, और यहीं पे एक और साइड ड्यू है जिसकी डिस्टेंस है 6 यूनिट। अब देखो, अगर मैं विद द हेल्प ऑफ एसएसए कॉन्ग्रुएंसी अगर मैं ये ट्राइंगल बिल्ड करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, मेरे को पहले एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा। मैंने एक एंगल फिक्स कर लिया 30 डिग्री, फिर क्या करा, मैंने 11 यूनिट की एक साइड फिक्स कर ली, उसके बाद मैंने क्या करा, इस साइड से 6 यूनिट की साइड को ड्रॉ करने की कोशिश करी। अब जैसे ही मैं 6 यूनिट की साइड को ड्रॉ करता हूं तो मेरे पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो ये साइड आ जाएगी 6 यूनिट की, और दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी बेटा, ये वाली साइड आ जाएगी 6 यूनिट की। इसका मतलब एक यूनिक ट्राइंगल नहीं बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एसएसए कॉन्ग्रुएंसी। तो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि जो ट्राइंगल बनेगा विद द प्रॉपर्टी ऑफ एसएसए कॉन्ग्रुएंसी वो एक यूनिक ट्राइंगल बनेगा, और हम ये भी श्योरिटी से नहीं पता कर पाएंगे कि वो कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे कि नहीं एक दूसरे पे। यही कारण है कि एसएसए नाम की कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है मैथमेटिक्स में।